हेलो एवरीवन, मैं आपका रीता आपका दस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडिट एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐप आइकन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने ऐप्स के लिए। ओके, तो ऐप आइकन सबसे मेन रोल करता है, क्योंकि कोई भी यूजर जब आता है तब सबसे पहले वो सर्च करता है एंड जो भी उसको ऐप आइकन अच्छा लगा वो उसी पे ही क्लिक करता है। ओके, इसलिए ऐप आइकन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आप ऐप आइकन अट्रैक्टिव क्रिएट करोगे तभी आपका कोई भी यूजर अट्रैक्ट होगा एंड इंस्टॉल मिलेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐप आइकन अट्रैक्टिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐप्स के आइकन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आना होगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक URL प्रोवाइड करूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपके सामने जब इस वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको ये ऐसा कुछ लुक प्रोवाइड हो जाएगा। आपको प्ले स्टोर के लिए ऐप आइकन क्रिएट करने के लिए जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा फर्स्ट लॉन्चर आइकन जनरेटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, इमेज, क्लिक पार्ट एंड टेक्स्ट। अगर आपको आपके पास इमेज नहीं है तो आप यहाँ से आइकन यूज कर सकते हो। टेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट का यूज करना है तो आप टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई PNG अवेलेबल है तो आप इमेज में जाके अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इमेज का पहले बता देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम की कोई भी PNG एक डाउनलोड करके अपलोड करके दिखा देता हूँ कि इसको आइकन कैसे जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पैडिंग कम ज़्यादा करके आप आइकन का शेप भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हुआ पैडिंग के बारे में। आपको स्केलिंग भी मिलती है, अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आपको आइकन को सेंटर में रखना है तो सेंटर भी कर सकते हो। यहाँ पे शेप का भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा, आपको अगर स्क्वेयर चाहिए तो स्क्वेयर में ले सकते हो, या फिर सर्कल भी अवेलेबल है, या फिर टॉल रेक्ट, वाइड रेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे शेप के भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप स्क्वेयर ही रखें या फिर सर्कल रखें। और यहाँ पे आपको इस आइकन का क्या नाम रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि इमेज में PNG अपलोड करके आप कैसे अपना ऐप आइकन जनरेट कर सकते हो। बट आपको अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना रहा तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ तो देख सकते हो अभी देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये ऐप आइकन, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट में आ गए, अभी हमें आइकन बनाना है IC का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे IC। जैसे हम IC लिखेंगे तो टेक्स्ट के आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट अवेलेबल मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। तो मैंने इस फॉन्ट को, सॉरी फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा इसलिए ये फॉन्ट में ट्राई करके देखता हूँ, हाँ ये अच्छा लग रहा है। आप पैडिंग से आप इसको बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एंड आपको यहाँ पे सेम जहाँ इमेज पे जैसे अवेलेबल थे कुछ फंक्शन, यहाँ पे भी सेम अवेलेबल है, स्केलिंग, शेप, इफेक्ट एंड नेम का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड का कलर मैं ये रख देता हूँ। तो देख सकते हो आप आइकन कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम बढ़ते हैं लास्ट के तरफ, यानी कि क्लिप पार्ट के तरफ। तो यहाँ से आप कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर PNG सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे इस पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो आप सेम बिल्कुल पैडिंग से आप स्मॉल या फिर ज़्यादा कर सकते हो ऐप आइकन को। आप या से क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप कर सकते हो, या फिर आप आइकन को सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर पे क्लिक कर सकते हो। शेप, इफेक्ट, नेम बिल्कुल सेम जैसे उसमें फंक्शनलिटी थी, इसमें भी सेम है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी आइकन क्रिएट कर सकते हो। अभी इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड जिप पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें जैसे हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसमें जिप फाइल में जितने भी यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहे उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट सो इन फोल्डर पे जैसे क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे एक जिप फाइल अवेलेबल मिलेगी। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। देख सकते हो हमारा आइकन यहाँ पे दिख रहा है। एंड आपको जो भी जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको बहुत सारे SDPI, MDPI, XDPI बहुत सारे आपको जितने भी रिसोर्स फाइल में फाइल्स अवेलेबल होते हैं उतने भी फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऐप के लिए आइकन क्रिएट कर सकते हो।
तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने एप्स के लिए ऐप आइकन कैसे अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।